शिक्षक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज हम गौरी नंदन श्री गणेश जी की जन्म कथा का वर्णन करेंगे। भक्तजनों, श्री गणेश जी विघ्न विनाशक तो है ही, इन्हें सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय का वरदान भी प्राप्त है। यदि श्री गणेश प्रसन्न रहे तो माता लक्ष्मी का निवास स्वयं ही भक्तों के घर में हो जाता है। श्री गणेश ही रिद्धि सिद्धि के दाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री गणेश की ये पावन कथा। गणपति जी का सुन लो भक्तों, कैसे हुआ अवतार। ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है बारंबार। श्री गणेश की कथा ये भक्तों बड़ी ही पावन है। श्री गणेश जी कृपा करे जो करता श्रवण है। शिव पुराण में मिलता है श्री गणेश कथा का वर्णन। भक्तों अब तुम सभी ध्यान से सुनो लगा कर मन। एक बार गौरा माता जी कर रही थी स्नान, तभी अचानक पहुंच गए हैं शिव शंकर भगवान। लज्जावश माता के नेत्र फिर झुक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, एक बार की बात है, माता गौरा जब स्नान कर रही थी तो अचानक वहाँ भोलेनाथ पहुँच जाते हैं। लज्जावश माता का स्नान अधूरा ही रह जाता है। तब माता गौरा ने सोचा, शिवगण तो कोई भोलेनाथ को रोक नहीं सकते, अतः महल के द्वार कोई ऐसा दरबान होना चाहिए जो मेरी आज्ञा के बिना किसी को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे। माता को इसका एक उपाय सूझा। वहां पे शिव का अचानक आना मां को रास न आया। माता ने अपनी काया से फिर उबटन छुड़वाया। अपने उबटन से मां ने एक पुतला बनाया है। उस पुतले की बालक के जैसी ही काया पुतले में प्राण। यही समझ कर माता ने
जीवन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, यही सोचकर माता ने अपने उपटन से पुतला बनाया था और अपने मंत्रों की शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए ताकि माता के स्नान में कोई विघ्न न आए। श्री गणेश जी को इसीलिए विघ्न विनाशक भी कहते हैं, क्योंकि माता गौरा ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया था, इसीलिए सर्वप्रथम बालक ने माता गौरा को ही प्रणाम किया। सर्वप्रथम उस बालक ने माता को प्रणाम किया, माँ गौरा ने भी है उसे आशीर्वाद दिया। बालक बोला, माता जी बतलाओ मेरा काम, जिसके लिए किया है आपने माँ मेरा निर्माण। गौरा माँ ने फिर तो विनायक को दिया है आदेश, मेरी आज्ञा बिन कोई कंदरा में नहीं करे प्रवेश। अब से विनायक तुम समझो मेरी ही हो संतान, कंदरा द्वार पर पहरा देना बन कर के दरबार। माँ की आज्ञा पाके विनायक शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, विनायक ने शीश झुकाकर बोला, हे माता, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बनाया है कृपा करके मुझे आज्ञा दे। तब माता गौरा कहने लगी, हे विनायक, तुम कंदरा के द्वार पर दरबान बन पहरा देना और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना कंदरा के भीतर प्रवेश नहीं करे। अब मुझे स्नान करने को जाना है, तुम कंदरा के द्वार पर जाकर पहरा दो। बनकर पहरेदार विनायक बैठ ही जाते हैं, भोलेनाथ इतने में कंदरा द्वार पे आते हैं। देखा कोई बालक बैठा है बनकर दरबार, भोलेनाथ उस बालक को तो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार विनायक ने भोलेनाथ को भीतर जाने से रोक दिया और कहने लगे कि हे बाबा, मेरी माता का आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, अतः मैं आपको कंदरा के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। अनजान बालक के वचन सुनकर भोलेनाथ को बड़ा ही विस्मय हुआ और विनायक से कहने लगे, तुम आए, हम हैं भोलेनाथ, हमें पहले
भक्तजनों, जब विनायक अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो भोलेनाथ बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और नंदी से कहते हैं, हे नंदी, इस हठी बालक को यहाँ से हटाओ। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर नंदी विनायक को बलपूर्वक हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु विनायक टस से मस नहीं हुए। इतना देखकर अनेकों ही शिवगण आ जाते हैं और बलपूर्वक विनायक को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु अकेले विनायक सभी शिवगणों पे भारी पड़ जाते हैं। भक्तजनों, सभी शिवगणों ने अपना पूरा बल लगाया, किंतु विनायक को कोई भी वहां से हटा नहीं पाया। इतना देखकर भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही काट गिराया। इतने में स्नान करके गौरा माता लौट आती हैं और जब उन्होंने ये दृश्य देखा और भोलेनाथ को क्रोधित देखा तो तुरंत समझ गई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? ये तो भोलेनाथ कहने लगे, ये बालक बड़ा ही जिद्दी था, मुझको यह भीतर प्रवेश करने से रोक रहा था। न तो इसने मेरी बात मानी और न ही किसी शिवगण के समझाने से माना और बल का प्रयोग भी करने लगा, इसीलिए मैंने इसे उचित दंड दिया है। तब भोलेनाथ से माता गौरा विलाप करते हुए कहती है, भोलेनाथ दिया था मैंने इसे आदेश, मेरी आज्ञा बिना करे ना कोई कंदरा में प्रवेश, मेरे ही आदेश का पालन ये तो कर रहा था। आप बताए भोलेनाथ, फिर इसका दोष है क्या? दोष अगर मेरा ही है तो दंड मुझे भी, तुम कर दो। कहने लगे, भोले ये तो न संभव हो पाएगा, खंडित हो गया शीश वार से कैसे जुड़ जाएगा। सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान, हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, इस अवस्था में देखकर माता गौरा विलाप करने लगी और बार बार भोलेनाथ से अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगी, किंतु भोलेनाथ ने समझाया कि हे देवी,
ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही खंडित हो चुका है। जब बार बार विनती करने पर भोलेनाथ नहीं माने तो माता गौरा क्रोधित हो गई और कहने लगी, यदि मेरा पुत्र ही जीवित नहीं हो सकता तो फिर मेरे क्रोध की ज्वाला का ताप तीनों लोकों को सहना पड़ेगा। माता का यह विकराल रूप देखकर सभी देवता गण थर थर कांपने लगे। उन्होंने भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, यदि माता के क्रोध की अग्नि भड़क गई तो ये तीनों लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। अतः हम आपसे विनती करते हैं कि विनायक को जीवित करने का कुछ तो उपाय कीजिए। आखिर भोलेनाथ है भक्तों बड़े ही वरदानी, सब देवों ने विनती की तो भोलेनाथ ने मानी, लेकिन बोले शीश तो इसका खंडित हो गया है, खंडित शीश विनायक का ना फिर जुड़ सकता है, संभव है तब प्राण लौटने दूजा शीश कोई हो, तो लाके दो, किंतु सिर्फ उस बच्चे का जिस बच्चे से उसकी माँ निश्चित होकर के सोई हो अपनी पीठ घुमा, ऐसा शीश जुड़ेगा भोलेनाथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान, हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, भोलेनाथ ने बताया कि विनायक का जीवित होना तभी संभव है जब इसके लिए कोई दूसरे शीश की व्यवस्था की जाए, लेकिन ध्यान रहे, शीश ऐसे बालक का होना चाहिए जिससे उसकी माता पीठ फेर कर सोई हो। सभी देवता वन की ओर ऐसे शीश की खोज में चल दिए तो स्वयं भगवान विष्णु को भद्रा नदी के किनारे एक वन में ऐसी हथिनी दिखाई दी जो अपने बच्चों की ओर पीठ करके सोई हुई थी। तब भगवान विष्णु उस हाथी के बच्चे का शीश लेकर आए और भोलेनाथ के हाथों में सौंप दिया। जैसा भी चाहिए था वैसा शीश मिल गया है, गज का शीश ही भोलेनाथ ने विनायक को दिया है, जोड़ा शीश तो विनायक के फिर शीश लगा है इनको गजानन कहलाए, भोलेनाथ के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार भोलेनाथ ने विनायक को फिर से जीवित कर दिया और विनायक को गज का शीश लगने के कारण ही इन्हें गजानन के नाम से जाना जाता है। जीवित होते ही विनायक ने
भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना की। भोलेनाथ ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सभी शिवगणों का अधिपति नियुक्त कर दिया, क्योंकि सभी शिवगण मिलकर के भी विनायक को हरा नहीं सके थे। शिवगणों का अधिपति होने के कारण ही इन्हें गणपति बोला जाता है। आइए भक्तों, सुनते हैं विनायक को प्रथम पूजनीय होने का वरदान कैसे मिला। गणेश कार्तिक दोनों ही भक्तों शिव की है संतान, दोनों ही उत्तम है वो तो और दोनों ही महान। एक बार दोनों भाइयों में होने लगी चर्चा, दोनों में से किसको मिले सर्वोत्तम का दर्जा। दोनों भाई आपस में ही जानना चाहते हैं, प्रश्न ये लेकर ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को है किया प्रणाम, लगे पूछने हम दोनों में बोलो कौन महान। सुनकर उनका प्रश्न ये ब्रह्मा जी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, कार्तिक और गणेश का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्काए और कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, आप दोनों विष्णु जी के पास जाएं, हो सकता है विष्णु जी इस प्रश्न का हल कर दें। तब दोनों भाई अपना यही प्रश्न लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हुए वही प्रश्न विष्णु जी से भी करते हैं, किंतु विष्णु जी ने भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जताई और कहने लगे, आप दोनों भाई भोलेनाथ के संतान हैं, तो स्वयं भोलेनाथ ही बताएंगे आप दोनों में से उत्तम कौन है। तब दोनों भाइयों ने भोलेनाथ से आकर यही प्रश्न किया। उनका प्रश्न सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, पृथ्वी का चक्कर जो भी पहले लगा कर आए, दोनों भाइयों में सुन लो वही उत्तम माना जाए। सर्वोत्तम होने का उसे ही मिल जाए अधिकार, और पूजा भी करे प्रथम उसकी सारा संसार। इतना सुनकर कार्तिक तो है हुए अधीर बड़े, चक्कर लेकर मोर उड़े। लेकिन भक्त विनायक की तो मूषक ही है सवारी, उस पर बैठ के कैसे घूमते सोचो पृथ्वी सारी। अपने बुद्धि बल को विनायक फिर आजमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। हे गजानन भगवान, तुम बड़े ही दयानिधान। भक्तजनों, भोलेनाथ की बात सुनकर कार्तिक तो तुरंत ही अपना मोर लेकर उड़ गए और सोचने लगे, सर्वोत्तम होने का स्थान तो मुझे ही प्राप्त होगा, किंतु भक्तों गणेश जी का वाहन तो मूषक ही है। कार्तिक से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। तब गणेश जी ने अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल किया
और मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता का चक्कर लगा दिया। कहने लगे, माता पिता का स्थान तो सारे ब्रह्मांड से ऊंचा है। श्री गणेश जी की बात सुनकर भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सर्वोत्तम स्थान दे दिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही सभी देवताओं में श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। की